चलो हटो पीछे हटो आप लोग। लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो सर्किल के मामले में जानकार हो, एक्सपर्ट हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके सर्विस। बताना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं और आना जाना लगा रहता है जीव जंतुओं को सुरक्षित पकड़कर जिम्मेदारी से पुनर्वास के लिए ऐसी जगह छोड़ना जहां लोगों का आवागमन कम है और वो भी सुरक्षित बने रहे। तो इस जिंदगी की भागदौड़ में जब से होश संभाला है, अपने परम कर्तव्य को निभाते हुए इन सभी लोगों की मदद से, आशीर्वाद से, प्रेम से, सपोर्ट से, सहयोग से जीव जंतुओं को बचाने का सिलसिला जारी है। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, टेम्परेचर है लगातार बदलाव ला रहा है। ऐसे में जीव अपने पेट के लिए हर जगह आ जाया करते हैं। खतरे की स्थिति लगातार बराबर और संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आज का रेस्क्यू कॉल आया, ये ग्राम गोवा है ना भैया? गोवा है। तो यहाँ पर कोई इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, हिंदी में जिसे नांग बोलते हैं, वो देखा गया है घर के अंदर। घर के जो सदस्य हैं वो भयभीत हैं, डर बना हुआ है बराबर। तो ठीक है, सर पकड़ते हैं। उससे पहले उन भैया से परिचय कराना चाहते हैं जिन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया एक बेजुबान की जान बचाने के लिए। तो एक बार नाम पता बताओ अपना। अजय कुमार। तो ये यहीं के मूल निवासी है। इन्होंने थोड़ी देर हुई फोन किया था, तो हम लोग बिना वक्त गवाए समय से मौके पर आ चुके हैं। देखते हैं वीडियो के साथ साथ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, देखते हैं सर्प कहाँ पर है, फिर बताते हैं सर्प को रेस्क्यू कर कुछ डिटेल। अंदर आओ। आप लोगों ने देखा यहाँ भैया साफ सफाई हो रही थी, हमने अभी सुबह की। तो त्योहार थोड़े दिनों में लगभग त्योहार आते ही जाते रहते हैं, तो ये अपने घर की साफ सफाई कर रहे होंगे। आप लोग देख सकते हैं सर पे वो देखा जा चुका है, ये शांतिपूर्वक बैठा है, थोड़ी सी लकड़ी लगी है और सर पे इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा ही है। तो ठीक है, इसको बीजा डाल लो बाद में घोड़ू भेजना। अब तो आराम से बैठे यार, इधर से दिखा दिया देख रहे हो? बिल्कुल आप शांत रहो, बिल्कुल एक बार पास से दिखाओ इतना का डर है। तो ठीक है, इसको निकालते हैं बाहर। आयरो कमरे में खुला है। हटो पीछे हटो आप लोग। हट बुलवा। नहीं आई जाओ करे ले जाओ यार, बदल पूरे रंग पे रखा है तो शांत रहो। बिल्कुल तो का जो पत्ते है अब भैया इन लोगों को ज्यादा जानकारी है तो इनकी बात को मानो आप। साफ
देखो आप लोगों को बता दें, ये बेजुबान है। सबसे पहले तो ये अपना दर्द नहीं बयां कर सकते हैं, समझे। और बहुत से जो लोग होते हैं गलत फहमी में होते हैं। आप इनको ज़्यादा ज़्यादा, आपके पास दो ही ऑप्शन हैं। यदि हम नहीं आएंगे आपके यहाँ रेस्क्यू करने, तो आप या तो इन्हें मार दोगे या तो जोगी को बुला के दे दोगे। तो आप लोग गौर से सुन लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। लोगों के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन मारना अपराध है इनको, समझे। ये बेजुबान है, इन्हीं से हम लोग जीवित हैं, समझे। ये नहीं होंगे तो हम लोग नहीं होंगे। पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने के लिए इन सर्पों का रहना बहुत जरूरी है। और ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और ये मेल है, समझे, नागिन नहीं है, ये मेल है, नांग है, नांग है, समझे। और जो सर्पों को पकड़ने का काम है वो लगभग 6-7 सालों से चला आ रहा है। जैसे चले गए एक सेकंड में उठा लिया, इसके पीछे 5-6 सालों का अनुभव है। पढ़ाई करनी होती है, सर्पों के प्रति जानकारी करनी होती है, तभी इस काम को अंजाम देते हैं। हम लोगों, जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं, इन लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती है। हर समय जान हथेली पर रखकर ये काम को अंजाम देना पड़ता है। तो ये इस समय खतरे का संकेत कर रहा है और कह रहा है दूर रहो हमसे, खतरा है। इसीलिए ये अपना हुड खड़ा करके इंडिकेट कर रहा है, समझे। सर्प कोई नहीं काटता है जब तक पैर नहीं पड़ता है, समझे। जब पैर पड़ेगा तो अपने बचाव के लिए हर कोई जीव काट लेगा। जितना हम लोग सर्पों से डरते हैं उससे 100 गुना ज्यादा सर्प हम लोगों से डरते हैं, समझे। तो आप लोगों को बता दें, इनका रहना बहुत जरूरी है हमारे आपके लिए। हम आप लोग जिंदा हैं तो इन्हीं की वजह से। और धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहे हैं, आप लोग इनको बचाइए। जोगी होते हैं वो सर्प के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उन्होंने सर्प को पकड़ा और पैसे ले लिए आपसे, ठीक। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है, जैसे कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास सर्प को घर से निकलवाने के लिए। पैसे हम लोग इसीलिए देते हैं कि इसकी जान बच जाए, भैया बताओ आप लोग, इसीलिए तो देते हैं। लेकिन जान कहाँ वो बचा रहे हैं, वो तो मार रहे हैं। वो ले जाके इसके दांत तोड़ के विष ग्रंथि निकाल के, इन्फेक्शन तो तभी फैल जाता है जब वो इन्फेक्शन, ये क्या नाम, विष की ग्रंथि निकालते हैं सूजा घुसेड़ के। फिर ये अपने पेट के लिए इसको भूखा रखते हैं, समझे। अपने पेट के लिए मांगते हैं, इनकी जिंदगी हथेली पे रख के। और जब ये छोड़ते हैं तो इसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। सर्प कभी नहीं बचता है। और अंधविश्वास इतना बड़ा है कि सर्प को दूध पिलाया जाता है नाग पंचमी के पावन पर्व पर। सुना है आप लोगों ने, सर्प कभी दूध नहीं पीते हैं। सर्प एक बूंद दूध पी लेगा तो मर जाएगा। सर्पों के अंदर दूध पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। ना सर्प कभी दूध पीता है, ना बीन पे नाचता है, ना बदला लेता है। बदले की भावना हम इंसानों में होती है, सर्पों में नहीं होती है। और ये सिर्फ सुनते हैं, पैर की धमक है, जो वाइब्रेट है, कंपन है, उसको महसूस करते हैं जीभ से, जीभ में जो सेंसर ऑर्गन होते हैं इनके, समझे। तो ये हम जो काम करते हैं ये निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है जीव जंतुओं को बचाने की। इस कार्य का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। कहीं भी 100-200 किलोमीटर रात बिना 24 घंटे एनी टाइम सेवा देते हैं हम, हमारी टीम जो कन्नौज की सर्प मित्र, आर के सर्प मित्र की टीम है। तो इस सर्प की जान बचाने का श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है, इन्हीं ग्रामवासियों को जाता है। एक बार सभी को दिखा दो। इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एक सर्प की जान बचाने के लिए। लेके चलते हैं पुनर्वास के लिए जंगल में, अभी रिलीज कर देंगे। डब्बा दो भैया हमारा। जोगी को आप लोग कभी सर्प न देना। एक सर्प को मारना 7 साल की सजा है भैया। तो वीडियो बना ले, इसने शायद कुछ खाया है, इसको बाहर निकालना है। वाइब्रेट कर रहा है, चूहा खाया है। ठीक है, इसको परेशान नहीं करना चाहेंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो सर्प के मामले में जानकार हो, एक्सपर्ट हो, आप लोग उसे ही बुलाएं सर पकड़वाने के लिए। नंबर आप लोग बता दो, सब बता देंगे, परेशान ना। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों, सभी को दिखा दिया। तो सब आप लोग भी जागरूक होइए और अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़िए। शिक्षा ही शेरनी का वो दूध है, जिसने पिया है वो दाढ़ा है। शिक्षित जरूर करिए अपने बच्चों को।
आजकल भारत में जो मौतें हो रही हैं वो अंधविश्वास से हो रही हैं, समझे। सर्प ने काट लिया तो झाड़ फूंक करा रहे, बिरवा दिलवा रहे, सुना है आप लोगों ने। जहाँ बिरवा दिया जाता है वहाँ नहीं लोगों की जान जाती है। फिर वो बिरवा वाले ये कहते हैं कि भैया थोड़ा लेट हो गए, एक बूंद दूध ये बिरवा मुंह में नहीं जा पाया इसीलिए जान चली गई, या थोड़ा पहले आ जाते। ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। और अंधविश्वास भारत में, शांत रहो एक मिनट, अंधविश्वास कभी खत्म नहीं होगा दादा, समझे, क्योंकि ये फिल्में कभी खत्म नहीं होंगी और कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी, तो अंधविश्वास कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य है कभी किसी की जान ना जाए सर्प के काटने से, और जब कभी सर्प काट ले किसी को तो आपको टारगेट है सीधे जिला अस्पताल ही जाना है, निःशुल्क इलाज किया जाएगा, आपकी जान बच जाएगी, लेकिन समय से पहुंचिए। ये नहीं पहले एक दो घंटे में बिरवा दिलवा रहे, झाड़ फूंक करा रहे, फिर लेके फिर जिला अस्पताल नहीं बचा पाएगा। जैसे ही सर्प काटे, ये भी नहीं कि सर्प को ढूंढो कौन सा सर्प है तभी इलाज करेगा जिला अस्पताल, कुछ नहीं होता है। स्नेक एंटीवेनम एक ही होता है, कोई भी जहरीला सर्प काट ले वही लगता है। समय को आप बिल्कुल वेस्ट ना करें। आप सभी लोगों को दिखा दिया है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी प्रिय मित्र दिल के बहुत करीब हैं और कैमरा मैन की भूमिका निभाने वाले, हर समय दिल से सपोर्ट करने वाले, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इस वीडियो इसीलिए बनाते हैं, वीडियो को देखकर आप लोग प्रेरित हो, जागरूक हो, जानकारी लो, कभी भी किसी बेजुबान को ना मारो। इस बातों के साथ वीडियो को एंड करते हैं, लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जीव जंतुओं को बचाते हुए, लोगों से अंधविश्वास दूर करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।